नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरा से डीजल पेट्रोल का उत्पादन शुरू हो गया है। महज 6 रुपए के प्लास्टिक कचरा से 70 रुपए का पेट्रोल डीजल तैयार होने लगा है। मुजफ्फरपुर के कुडनी के खरौना में पेट्रोल और डीजल बनाने वाली इकाई का उद्घाटन पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया। देश में यह पहला प्लांट है जहां प्लास्टिक से पेट्रोलियम बनाया जाता है। इसे ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी ने स्थापित किया है। मंत्री ने प्लांट में तैयार 10 लीटर डीजल की खरीदारी भी की। इस दौरान इकाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। प्लास्टिक कचरा से डीजल पेट्रोल बनाने की विधि जानने के लिए लोगों में उत्सुकता रही। इकाई के संचालक सह ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी के सीईओ आशुतोष मंगलम ने बताया कि यहां पर प्रतिदिन 200 किलो प्लास्टिक कचरा से 150 लीटर डीजल या 130 लीटर पेट्रोल तैयार होगा। सबसे पहले कचरा को ब्यूटेन में परिवर्तित किया जाएगा। प्रोसेस के बाद ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा। इसके बाद अलग अलग प्रेशर और तापमान से आइसो ऑक्टेन को डीजल और पेट्रोल में परिवर्तित किया जाएगा। 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डीजल और 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पेट्रोल का उत्पादन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की ओर से डीजल और पेट्रोल का ट्रायल किया जा चुका है। ट्रायल सफल रहा। डीजल और पेट्रोल में अधिक ऑक्टेन वैल्यू होने से माइलेज अधिक पाया गया है। इस प्रक्रिया में 8 घंटे तक समय लगता है। नगर निगम से 6 रुपए प्रति किलो की दर से प्लास्टिक कचरा की खरीद की जाएगी। इसमें तैयार डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति किसानों के अलावा नगर निगम को होगी। इकाई 70 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करेगी। पहले दिन 40 किलो प्लास्टिक से 37 लीटर डीजल तैयार की गए। इकाई के संचालक ने बताया कि नगर निगम से प्लास्टिक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बदले इकाई द्वारा निगम को डीजल और पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम किसानों के अलावा अन्य लोग भी इकाई से डीजल और पेट्रोल खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार की योजना PMEGP के तहत 25 लाख रुपए लोन लेकर इकाई खोली गई है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक PK सिन्हा ने बताया कि इस इकाई की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जा चुकी है। विश्व का यह एकमात्र प्लांट है जहां प्लास्टिक से डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। इसका पेटेंट मुजफ्फरपुर की संस्था ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी को मिला है। उद्योग विभाग की ओर से नियमित रूप से इकाई की निगरानी की जा रही है। LDM गणेश दत्त शर्मा ने बताया कि अनुदानित ब्याज पर इकाई खोलने के लिए लोन उपलब्ध कराया गया है। इस इकाई से कई लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकता है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। नमस्कार।